हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुजरात की प्रसिद्ध रेसिपी मोहनथाल बना रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मोहनथाल बनाने के लिए हमें चाहिए ये बेसन है, 400 ग्राम बेसन लिया है मैंने। ये बुरबुरा मोटे वाला बेसन है। अगर आपके पास में ये मोटा वाला बेसन नहीं हो तो आप बेसन के अंदर थोड़ी सी सूजी मिला लीजिए, उससे भी अच्छा बनेगा। मैंने ये मोटा बेसन लिया है। ये चीनी है जो 250 ग्राम ली है मैंने। ये खोआ है 100 ग्राम। ये 2 चम्मच दूध है, ठंडा दूध है ये। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है कटे हुए। और ये घी है जो मैंने 1 कप लिया है। या चम्मच से आप नापेंगे तो ये 3 चम्मच है सब्जी वाले चम्मच से। ये बनाते हैं। ये बेसन है जो मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इसके बीच में इस तरह का होल बनाएंगे हम, और इसके अंदर मैं ये मोइन के लिए घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच, और 1 चम्मच दूध का डालूंगी मैं, और इसको मिक्स करूंगी। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे इसके अंदर और मिलाते रहेंगे। सबको मिक्स करना है तो हमें हथेलियों से इस तरह मसलना है, इसको रगड़ना है इस तरह, दोनों हथेलियों के बीच में लिख के अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर मोइन। इसके लिए हम ऐसे चलाते रहेंगे करीब 2 मिनट के लिए। इसको मैंने मिक्स कर दिया है, मिला दिया है, और हम इसको आधे घंटे के लिए या 20-25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे रेस्ट करने के लिए, उसके बाद बनाते हैं। इसे 25 मिनट हो गया है हमारे बेसन को रेस्ट किए हुए। एक बार हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह, और मिला लेंगे वापस। और अब पैन में घी गरम करते हैं और बेसन को भूनते हैं। घी गरम हो गया है, इसके अंदर हम बेसन ऐड करते हैं। बेसन डाल दिया मैंने इसके अंदर, और गैस को सिम करना है। सिम फ्लेम पे ही हम बेसन को सेकेंगे। इसको मिक्स कर दीजिए ऐसे चलाते हुए, लगातार चलाना है इसको और अच्छे से भुनना है। लगातार चलाते हुए सिम गैस पे ही हम इनको भुनना है, इसका जब तक कलर चेंज ना हो जाए तब तक। इसका कलर चेंज होने लग गया है, घी छोड़ने लगा है ये थोड़ा थोड़ा। थोड़ी देर और भुनेंगे हम इसको लगातार चलाते हुए। देखिए बेसन भुन गया है और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। बेसन भुनने के बाद जो खुशबू आती है उससे भी पता चल जाता है, और इसका जो कलर चेंज होता है उससे भी पता चल जाता है कि हमारा बेसन पक गया है, और साइड से ये घी भी छोड़ने लगता है। अब हम इसके अंदर मावा ऐड करते हैं। ये मावा है, ये फ्रेश मावा है। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो डालें, नहीं भी डालोगे तो भी बहुत टेस्टी बनेगी। अगर आप डाल रहे हो तो ताज़ा मावा ले कि उसके अंदर कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, उससे बर्फी के अंदर स्मेल नहीं आएगी। इसको भी हम भूनेंगे बेसन के साथ में करीब 5 मिनट। ये मावा इसके अंदर मिक्स हो गया है और मावा भी भुन गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको साइड में कर देते हैं, चाशनी बनाते हैं। चीनी डाल दी है मैंने भगोने में, और इसमें पानी डाल रही हूँ मैं। पानी इतना ही डालना है कि ये चीनी को कवर करे, या फिर इतना कि जितनी चीनी ले उसका 1/4 भाग पानी लेना है, यानी चौथा हिस्सा पानी डालना है ताकि चाशनी जल्दी बन जाए। चीनी घुलने तक ऐसे हिलाना है कि हमारी चीनी पानी के अंदर घुल जाए अच्छे से। चीनी घुल गई है इसके अंदर, लेकिन हमें गाढ़ा करना है, चाशनी बनानी है तो थोड़ा और चलाएंगे। देखिए चाशनी बन गई है, इसको चेक करते हैं कि हमारी चाशनी सही बनी है कि नहीं बनी है। तो एक प्लेट में कुछ बूंदें लेंगे, इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे।
अंगुली में लगाएंगे और अंगूठे और अंगुली के बीच में इस तरह देखेंगे कि ये दिख रहा है, एक तार बन रहा है अपना। हमें डेढ़ तार की चाशनी चाहिए, थोड़ा सा और चलाते हैं फिर चेक करते हैं। अब इस स्टेज पे अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो आप इलायची पाउडर डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए। देखिए हमारी चाशनी गाढ़ी हो गई है इस तरह। अब गैस बंद कर देते हैं हम और दोबारा चेक करते हैं प्लेट में डाल के। ठंडा होने के बाद हम ऐसे चेक करेंगे वापस। ये देखिए डेढ़ तार निकलने लगा है, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब बेसन के अंदर हम चाशनी ऐड करते हैं इस तरह, और मिला लेते हैं इसको। ये देखिए हमने चाशनी मिक्स कर दी है, इसके अंदर मिल गई है अच्छे से चाशनी। आपको लगे कि हमारा ये बैटर है गीला हो गया है तो आप इसको थोड़ा दो मिनट और गैस पे चला दीजिए और थिक कर लीजिए इस तरह का। और अगर आपको लगे कि ये ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के चाशनी वाले उसी भगोने में और गर्म करके थोड़ा सा डाल के सॉफ्ट कर लीजिए। ये ट्रे है, इसके अंदर मैंने घी लगा लिया है चारों तरफ, और अब इसके अंदर हम वो बेसन है वो डालते हैं। ऐसे चम्मच से ऊपर से समतल बना लेना है इसे। इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, आप जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए आप इसके अंदर, और चम्मच से ऐसे सेट कर दीजिए। इसको हम एक घंटे के लिए रख देंगे, जब ये सेट हो जाएगी तब हम इसको काटेंगे अपने पसंद के आकार में, तब तक रख देते हैं। ये देखिए ये सेट हो गई है, अब इसकी हम लाइनिंग काट लेते हैं, ऐसे कट कर लेते हैं कि हमें किस आकार में काटनी है। हमने लाइनिंग बना ली है और इसको सेट होने के लिए करीब एक घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये सेट हो जाएगी उसके बाद हम प्लेट में पीसेस निकाल लेंगे। मोहनथाल की बर्फी सेट हो गई है, इसे हम एक चाकू की नोक से प्लेट में निकालते हैं ऐसे। देखिए ये एकदम अच्छे से हो गई है, इस तरह हम सारी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारी मोहनथाल बर्फी तैयार है, ये बहुत टेस्टी बनी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और घर पे मावा निकाल के बनाएंगे तो मिलावट रहित मावा रहेगा और बहुत अच्छी बर्फी बनेगी।